I'm giving it all. नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं, गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं LG GX65 4K स्मार्ट OLED टीवी का। इससे पहले कि हम OLED टीवी के बारे में आगे और बातें करें, मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ OLED होता क्या है। एक LED का पैनल लगा होता है LED टीवी में लाइट्स के लिए, वहीं पे OLED में ऐसा कोई पैनल नहीं होता। OLED टीवी में हर एक पिक्सल के लिए अपनी खुद की एक लाइट होती है, जिसकी वजह से कलर्स बहुत ही निखर के आते हैं और कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ही अमेजिंग होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सेल्फ लिट पिक्सल्स होते हैं जो इंडिविजुअली ऑन एंड ऑफ होते हैं। डिजाइन की बात करें तो गैलरी डिजाइन मिलता है जो एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह आपकी वॉल पे लग जाता है। इस टीवी के लिए आपको कोई अलग से फर्नीचर बाय नहीं करना होगा, वॉलपेपर डिजाइन है तो आपकी वॉल के साथ ये ब्लेंड होके वहां पे लग जाएगा एक पेंटिंग की तरह। इसको वॉल पे इंस्टॉल करना भी इजी है, वॉल माउंट ब्रैकेट, मैनुअल, एंकर, ये सभी चीजें आपको इसके साथ ही मिलता है। OLED डिस्प्ले है 165.1 सेंटीमीटर यानी 65 इंच स्क्रीन साइज के साथ, 3840x2160 अल्ट्रा HD 4K रिजोल्यूशन है। ये टीवी अल्फा 9 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है। अभी मैंने इस टीवी को कनेक्ट किया है PS4 से और जो गेम आप सामने देख रहे हो GTA 5, अगर आप कलर्स पे ध्यान दो तो जैसा मैंने बताया था, OLED में हर एक पिक्सल के पास अपनी खुद की लाइट होती है। यही रीजन है कि यहाँ पे आपको एडवांस कलर और कलर इनहेंस होके मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा कैमरा आपको वो दिखा पाए जो इस वक्त मेरी आंखें देख रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर SDR में। इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट के साथ ये और भी बेहतरीन दिख रहा है यहाँ पे, और ना सिर्फ SDR बल्कि इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट, AI पिक्चर प्रो और AI ब्राइटनेस कंट्रोल के साथ आप एक ट्रू गेमिंग का मजा ले पाओगे। और इसे कहते हैं परफेक्ट ब्लैक, यानी जो ब्लैक होगा वो परफेक्ट ब्लैक होगा और जो व्हाइट होगा वो परफेक्ट व्हाइट होगा। आपके पिक्सल्स के साथ कोई मजाक नहीं, और सिर्फ ब्लैक या व्हाइट नहीं, अमेजिंग कलर एक्यूरेसी के साथ रियलिस्टिक पिक्चर क्वालिटी देखने को मिला जब हमने खेला इसमें गॉड ऑफ वॉर 4। RDR2 भी मैंने ट्राई किया था SDR में ही, और कुछ हाई पेस्ड गेम की बात करूं जिसमें स्पाइडरमैन आता है तो उसमें भी अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले है। एंड जस्ट लाइक आई सेड कि मेरा कैमरा आपको वो दिखा पाया जो मैं देख पा रहा हूं, I mean जो SDR है जिसे हम हाई डायनेमिक रेंज बोलते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जिसे हम एक एब्सोल्यूट बेस्ट बोलते हैं, जो पीक पे जाके आपको मिलना चाहिए SDR की ट्रू फीलिंग जिसे कहते हैं, वो देखने को मिला हमें इस टीवी में। एक और शानदार फीचर जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है HGIG प्रोफाइल। आप चाहे PC गेमिंग कर रहे हो या किसी कंसोल पे गेम खेल रहे हो, टॉप लेवल पे जाके जो परफॉर्मेंस, जो ग्राफिक्स आपको मिलना चाहिए था आपके PC या फिर आपके कंसोल से, ये फीचर आपको आपके टीवी पे वही डिलीवर करता है। ये टीवी आता है HDMI 2.1 के साथ। इसके साथ आपको मिलता है हायर फ्रेम रेट, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ऑटो लो लेटेंसी मोड और इनहेंस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल, और ये सारे फीचर्स जरूरी हैं ताकि आप एक बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस ले पाओ हायर रिजोल्यूशन, स्मूथ और सिंक्रोनाइज ग्राफिक्स के साथ। तो जो भी गेम्स हमने ट्राई किए इस टीवी में PS4 प्रो के साथ, ना कोई ब्लर, ना कोई फिकर, ना कोई फ्लिकर और स्मूथ गेम प्ले था। ये तो बात हुई प्लेस्टेशन की, आगे हम PC गेम प्ले पर मूव करें, उससे पहले कुछ इसके फीचर्स हैं जो बहुत अमेजिंग हैं, मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। इस LG OLED स्मार्ट टीवी के साथ आपको एक मैजिक रिमोट मिलता है, जो मेरे लिए कुछ एक नया और काफी कूल सा फीचर था, क्योंकि यहाँ पे जब नेविगेट करते हो तो वहाँ पे कोई बटन नहीं प्रेस करना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे इन द एयर स्विंग करके बस रिमोट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और साथ में एक स्क्रॉल करने के लिए बटन भी मिलता है, यानी काफी अलग अलग मोड्स है। प्लस साथ ही आपको यहाँ पे अपनी आवाज यानी वॉइस कंट्रोल फीचर भी मिलता है, जिसे आप अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मेरे लिए कुछ नया था, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे अगर आपको नेविगेट करना है और साथ में एक मैजिक रिमोट मिले तो काफी बेहतरीन कहूंगा मैं इस चीज को। और कुछ ऐप्स के लिए तो आपको डायरेक्ट कीज मिलती है इसी रिमोट पे, लाइक नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, जो आप डायरेक्ट वन क्लिक पे कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये मैजिक रिमोट नहीं, स्मार्ट मैजिक रिमोट है, क्योंकि यहाँ पे आपको टीवी कंट्रोल करने के लिए एक दो नहीं चार अलग अलग मोड्स मिलते हैं, लाइक यूनिवर्सल कंट्रोल है, पॉइंट है, व्हील है, वॉइस है। तो अगर इतनी बड़ी टीवी अगर आप ले रहे हो, उसके साथ आपको रिमोट में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं, डायरेक्ट कीज मिलती है, तो टीवी को, उसके फीचर्स को, सेटिंग्स को कंट्रोल करना और इजी हो जाता है आपके लिए। एप्पल टीवी, डिज्नी प्लस, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो या फिर यूट्यूब, ये हर चीज आप एक जगह कंट्रोल कर सकते हो। कहने का मतलब फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको यूज करना, कंट्रोल करना भी उतना ही आसान है। HDR, गेम, स्पोर्ट्स, सिनेमा और स्टैंडर्ड जैसे पिक्चर मोड मिलते हैं। साथ ही आता है आई कंफर्ट डिस्प्ले के साथ, ताकि ब्लू शेड्स की वजह से आपकी आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े। LG का ये टीवी नेक्स्ट लेवल स्मार्ट एंड OLED टीवी है। किसी भी एंगल से आपको पिक्चर क्वालिटी में या फिर कलर्स में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर बात करें PC गेमिंग की, तो इसमें ये टीवी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है।
अब आगे आप जो भी गेम प्ले देखने वाले हो वो एक्सट्रीम सेटिंग्स पे होगा और 4K रिजोल्यूशन में होगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपका सिस्टम ही आपको G-Sync दे सकता है तो आप गलत हैं। ये टीवी सपोर्ट करता है NVIDIA G-Sync, यानी कि हैवी गेम्स में हैवी लोडिंग स्क्रीन पर भी कोई स्टटरिंग या फिर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आपका प्रोसेसर दमदार होता है तो जितनी तेज आपकी उंगलियां नाचती हैं कीबोर्ड पर, जितना फास्ट आप गेम्स में भागते हो, मूव करते हो, उतना ही फास्ट आपके सीन्स को, ग्राफिक्स को, विजुअल क्वालिटी को रेंडर करने के बाद आपको एक स्मूथ गेम प्ले देता है। अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं OLED टीवी की, तो रिस्पॉन्स टाइम के बारे में बात करना तो बनता है। एक मिनट, ये वही है ना जो कीबोर्ड माउस पे हम क्लिक करते हैं फिर कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पे आप ये। जी नहीं, उसे हम इनपुट लैग बोलते हैं। आप जो कीबोर्ड और माउस पे इनपुट देते हो वो कितनी जल्दी आपको स्क्रीन पे सामने उसका आउटपुट मिलता है, वो जो मेजर करते हैं हम इनपुट लैग से करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम का आपके कीबोर्ड और माउस से कोई मतलब नहीं है, वो मेजर करता है कितनी फास्ट, कितनी जल्दी आपके पिक्सल्स चेंज होते हैं, ब्लैक से व्हाइट या व्हाइट से ब्लैक में, या फिर जो आपके ग्रे शेड्स होते हैं वो कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं ताकि आपकी लाइट के इंटेंसिटी कंट्रोल कर सके। ये सब कुछ हम मेजर करते हैं रिस्पॉन्स टाइम में। फास्ट पेस गेम होते हैं लाइक घोस्ट रिकॉन, ब्रेक पॉइंट या कॉल ऑफ ड्यूटी, वहां पे आपके सीन्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा उतना ही कम होगा आपका घोस्टिंग और उतनी ही बेहतरीन, उतनी ज्यादा अच्छी होगी आपकी पिक्चर क्वालिटी। और आपके सामने जो गेम प्ले चल रहा है इसमें कोई भी घोस्टिंग या फिर फ्लिकरिंग नहीं है। उसका रीजन यही है कि ये LG OLED टीवी आता है 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ। 4K में और अल्ट्रा सेटिंग्स पे सारे गेम्स खेलने के बाद भी किसी भी गेम प्ले में फ्लिकरिंग या फिर स्टटरिंग देखने को नहीं मिला। 4K स्मार्ट OLED टीवी जिसमें मैंने PS4 गेम्स और PC गेम्स खेला, और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि दिस इज मोर देन अ मॉन्स्टर फॉर गेमिंग। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पब्लिश होने के बाद जो भी कमेंट्स आएंगे 1 घंटे के अंदर उन सबका रिप्लाई मैं करने वाला हूं, तो जो भी आपकी मर्जी हो आप पूछ सकते हो। तो मैं हूं मोहित और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।